माँ बाप बड़े एक्साइटेड हुए हैं भाई अपने बालक ने मैं DC बनावा SP बनावा, लेकिन जीवन में एक वृद्धाश्रम है उसमें वही बालक अपने माँ बाप ने भेज भी देवे, कितना बड़ा दिल है ना बालका का। आपके बच्चे क्या? मेरा एक लड़का है जो दिल्ली में है, गारमेंट्स का काम करता है, फैक्ट्री है, बेटे की फैक्ट्री है। हाँ, मैं डॉक्टर था, यहाँ इंद्री में मेरा हॉस्पिटल है, वाइफ भी डॉक्टर है, वो काम कर रही है। तो फिर अब आप यहाँ पे 3 महीने से रह रहे हैं, ये चौथा अब लगा है। तो ये आश्रम कैसा है? बहुत बढ़िया, आप ये देखेगा कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ खुली जगह है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, खाना बहुत बढ़िया, कोई भी मेंबर यहाँ का, बड़े से बड़ा मेंबर भी किसी को आकर के गलत नहीं बोलता। घर की तो याद आती है? घर के, अरे साहब क्या याद आएगी अब। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। पैदा होना और मरना बिना टाइम का है, और जिसने जन्म ले लिया उसके बाद वो सारा सौदा टाइम पर करने की सोचा है। मतलब जन्मपत्री में पढ़ेंगे भाई आगे बड़ा हो गया के बनूंगा, माँ बाप बड़े एक्साइटेड हुए हैं भाई अपने बालक ने मैं DC बनावा SP बनावा, अरे 1% माँ बाप बना भी पावे हैं, बाकी तो भाई मेहनत करें हैं। और जीवन में माँ बाप ही है जो अपना पेट काट काट कर बड़का ने पाला है, जीवन में माँ बाप ही है जो अपने बड़का खातर अच्छा सोचेगा, जीवन में माँ बाप ही है जो खुश होगा कि उसका बालक उससे भी बड़ा हुआ है, और कोई नहीं होता खुश। लेकिन जीवन में एक वृद्धाश्रम है उसमें वही बालक अपने माँ बाप ने भेज भी देवे, कितना बड़ा दिल है ना बालका का। तो आज यही बात कुछ एक आश्रम में आए हाँ अपा, और बात करांगे भाई वो कैसे आए, कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, कितनी जी, तो कैसे है यहाँ पे, क्यों आए, ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर हमारे साथ बैठे हैं बुजुर्ग हमारे बाबूजी। राम राम। राम 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 जी। राम 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 जी। बाबूजी कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ, इंद्री से। इंद्री से? हाँ, इंद्री यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। जी जी जी। हाँ, वहाँ से। आप कहाँ से जी? हाँसी से। हाँसी से। आप जी? पानीपत। बच्चे क्या काम करें आप? एक मजदूरी करें। तुमने मजदूरी करें? आपके बच्चे क्या? मेरा एक लड़का है जो दिल्ली में है, गारमेंट्स का काम करता है, फैक्ट्री है, बेटे की फैक्ट्री है। हाँ, गारमेंट्स का काम करता है, कांति नगर में। और आप क्या काम करते? मैं डॉक्टर था, यहाँ इंद्री में मेरा हॉस्पिटल है, वाइफ भी डॉक्टर है, वो काम कर रही है, उसकी मेरी बनी नहीं अब इस उम्र में नहीं बनी, पत्नी की नहीं बनी आपकी। हाँ, इस उम्र में। हाँ, मेरी लड़की है, एक वाइस प्रिंसिपल है वहाँ इंद्री में ही इंटर कॉलेज में, और एक लड़की मैथमेटिक्स की टीचर है, और मैं खुद डॉक्टर था। मतलब सोचने की बात है, एक तो हम सोच रहे हैं भाई अनपढ़ माँ बाप हैं या बालक अनपढ़ हैं, सब कुछ एजुकेटेड, सारा ही परिवार पढ़ा लिखा जी। ऐसा है, मेरी इंद्री के अंदर कम से कम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरी बड़ी साली दिल्ली रहती है जी, उसने हमारा डिस्प्यूट कराया, वो चाहती थी मैं इसको यहाँ से ले जाऊँ बिकवा करके और बीच में अपना खा जाऊँ, वे धक्के खाएगी, उसे लालच दिया कि मैं तेरा वहीं से मकान बना दूँगी और वहीं काम करिए, मैंने रोकने की कोशिश करी, मेरे साथ यही डिस्प्यूट हुआ है और कोई बात नहीं। तो फिर ये क्या मजबूरी है कि आपको घर छोड़ना पड़ा? आप रह तो सकते ही थे। रहा हूँ अभी 3 महीने से, लेकिन वो रोज़ की टेंशन रहती थी, रोज आना की टेंशन रहती थी, यही कि मैं तो दिल्ली चली जाती अपनी बहन के पास, वहाँ काम कर लेती, तुम भी आ जाते, ये था वो था, दुनिया भर की यही बात है। मैंने कहा हमारे बच्चे यहाँ सेटल हैं, हम क्यों जाएं वहाँ दिल्ली, हमारा क्या रोल है उसमें, बस ये है, ये यही होता है, बस क्लेश की किचकिच से है, जो क्लेश हो गया इसकी किचकिच से आपने घर छोड़ना, बस वाइफ की वजह से ही, वाइफ की और बच्चों की कोई वो नहीं है। तो बच्चे नहीं कहते पापा वापिस आ जाओ? बच्चे तो कहते हैं बच्चे, लड़के का फ़ोन भी आया है 1-2 बार कि तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा क्यों नहीं आना चाहिए था, तुमने पूछा आकर के किसकी गलती है, तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं कहा, मेरे बारे में नहीं तुमने सोचा कुछ भी, है ना, जो कुछ हो रहा है तुम तो चुप हो,
हमारे अंदर डिस्प्यूट पैदा होता जा रहा और तुमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। जिसके दो बच्चे हैं, वाइफ है, ये सब कुछ उसका है, परिवार है उसका दिल्ली में, तो फिर वो भी इतना नहीं सोच सकता जो है ना। लेकिन नहीं, समझ गए, मतलब हम तो यूँ सोचा कर भाई जो पढ़े लिखे नहीं है वो इस टाइप के झगड़े करते हैं। मतलब पढ़े लिखों में ये बातें चीज़ें चलती हैं, पढ़े लिखों में कहानी होता, रात में 90% परिवारों में जूत बजता है, सुबह को मां समाज के अंदर ही दिखाई देते हैं कि हम एक हैं और रात में जूत बजता है। ये बात क्या कर रहे हैं आप, हमें पता है ना इस बारे में, चूँकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, मेरे पास सब के राज आते हैं, दवाई तो पहले बाद में ले हैं, पहले अपना रोना रोना शुरू करना है, इनने तो मुझे पैसे नहीं दिए थे, मैं लेट हो गया आने के लिए, ये चला गया छोड़ करके मुझे, और मुझे बच्चे को दवाई दिलवानी थी, ये वो, ये सब चीज़ें डिस्प्यूट की तो बातें हैं और क्या है, यही होता है और क्या है। तो फिर अब आप यहाँ पे 3 महीने से रह रहे हैं? हाँ हाँ, चौथा अब लगा है मुझे, 14 तारीख के बाद से अब चौथा लगा है। हाँ, तो ये आश्रम कैसा है? बहुत बढ़िया है, खाना पीना, आप ये देखेगा कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ खुली जगह है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, खाना बहुत बढ़िया, सुबह को नाश्ता मिलता है, कभी खिचड़ी मिलती है, घर में नहीं रखता जी, आता हूँ आपके पास, कभी खिचड़ी मिलती है, कभी आलू की जो वो तहरी होती है वो भी मिलती है, तो सभी तरह की चीज़ सुबह को नाश्ते में ब्रेकफास्ट होता है चाय के साथ, कभी बिस्कुट ब्रेड ये सब चीज़ें मिलती हैं। दोपहर का खाना एक सब्जी होती है, दाल होती है, चावल होते हैं, चपाती होती है, बढ़िया सब बढ़िया मिलता है, दोनों तीनों टाइम कोई किस तरह की कमी नहीं आया। कपड़ा, कोई भी मेंबर यहाँ का, बड़े से बड़ा मेंबर भी किसी को आकर के गलत नहीं बोलता, कुछ नहीं कहता। और ये खड़े हैं, ये मैनेजर साहब हैं, बहुत बढ़िया हैं, सबका ध्यान रखते हैं, यही खाना बनवाते हैं, सबसे बातचीत होती है, इनकी दुख दर्द की सभी बातें, कोई किसी तरह की बात नहीं, बहुत बढ़िया इंसान। घर की तो याद आती है? घर के, अरे साहब क्या याद आएगी, अब बेटा बेटी वो तो आते ही हैं, खैर मिलने भी गया था मैं, मिले भी थे मैं गया भी था। अच्छा, अपने हॉस्पिटल में बैठा था। अच्छा, तो लड़का भी आ गया था, लड़कियां भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे तो याद आते ही हैं, समझ गए। घर वाले की तो बात ऐसी, वो मर जाए तो मुझे चिंता नहीं और मैं मर जाऊँ तो उसे चिंता नहीं, समझ गए नहीं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं।